आज मैं अपडेट नहीं शूट कर पाया, सुबह बड़ी भारी बारिश हो रही थी तो मैं आज किचन से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पे शिवानी और तुषार रेसिपी शूट कर रहे हैं और मैं आपको चूल्हे पे ले जाऊंगा, फिर हम एनिमल एरिया में चलेंगे। आज काफी अच्छी मीटिंग रही। रवीना क्या ले जा रहे हो? बिल्ली के लिए खाना, और ऑफ कोर्स विन्नी पीछे हो ली है। डिम्पल से आप मिले हुए हैं। ममता दीदी आप क्या बना रहे हो? घर का खाना, आलू बन रहे हैं आज। ग्रेट, ओके। तो आज सुबह बड़ी अच्छी मीटिंग रही। मेडीमाइंड से रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक CBC मशीन ले रहे हैं जिससे हम टेस्ट यहीं पे कर पाए, हमारे फंड्स पूरे रेज्ड हैं, और एक गैस एनेस्थीसिया मशीन जिसमें हमारी स्टरलाइजेशन जो हैं वो और बेहतर हो जाएंगी। बाय द वे मैं आज आपको टूर भी देता जाता हूँ। ये जो है हमारा ये रास्ता घर को जाता है, इससे मैं मेन गेट की ओर जा रहा हूँ। राइट साइड पे जो है हमारा ये सारा फूड फॉरेस्ट है, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉन्ड भी बना रखा है जिसमें हम अजोला उगाते हैं गाय के लिए। बारिशों में अजोला अपने आप खत्म हो जाता है। ओके, खैर, तो मैं आपको मीटिंग के बारे में बता रहा था, वो मीटिंग अच्छी रही। एक हफ्ते में हमारे पास वो दोनों मशीन इंस्टॉल्ड होंगी। अगर हमारे पास CBC मशीन पहले होती तो हमें गुरु और नंदन को वहां टेस्ट के लिए ना भेजना पड़ता, जहां हमने भेजा, और जहां पे उस डॉक्टर की मूर्खता की वजह से जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, हमने ट्रीटमेंट जबकि कहा नहीं था, हमने सिर्फ टेस्ट के लिए भेजा था, और वो आज भी हमारे साथ होते। खैर, बारिशों का मौसम यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन होता है, आप देख रहे हैं। अब इस समय ड्रेन क्लॉग हो गई है, यहाँ बारिश का पानी भर गया है। इनफैक्ट ये जो दीवार है, ये दीवार के नीचे भी पानी से पूरा छेद हो गया था, सारी नींव खत्म हो गई थी। अब हमने सीमेंट करके इसको रोका है, आप इन लोगों को जानते ही हैं। अब हमने हमने ई पास अप्लाई कर दिया है, तो बहुत ही जल्द हमारे डॉग जो हैं दिल्ली जाएंगे, और वो सुनील के पास इंडी लव में रुकेंगे, और फिर डॉक्टर चौधरी पेट फ्लाई उनकी मदद से ये अपना वापस US कनाडा जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं मेन लार्ज एनिमल रिकवरी एरिया में। वहां पे ज्यादा गाय तो आज बाहर नहीं होंगी क्योंकि बारिश थी, तो आज अंदर ही है। यहाँ पे सारे ही मौसम जो है ना बहुत प्रॉब्लम है। साल में 10 महीने, क्योंकि बारिशों में अत्यधिक बारिश, सर्दियों में अत्यधिक ठंड, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी, तो बेसिकली सिर्फ जो अपना स्प्रिंग है मार्च का टाइम, और फॉल अक्टूबर, वो सही रहता है। ओके, जंग बहादुर जी तो यहीं रह ही गए हैं। ये आज बड़ी जमीन आए हैं, बड़ी की सर्जरी सक्सेसफुल रही है। अगर आप इससे पहले नहीं मिले, इसका नाम सेबा है। ये उसी दिन आया है जिस दिन सेबेस्टियन करके एक लड़का अपने बर्थडे के सारे पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे आया है। ये दूसरी बार हुआ, इससे पहले भी एक कियान करके एक जो मुंबई में बच्चा है, उसने अपने सारे पैसे इकट्ठे करके दोस्तों के साथ यहाँ पे डोनेट किए। अगेन मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा कि आप यहाँ डोनेट करिए, मेरा मतलब ये है कि बच्चों को अगर शुरू से बर्थडे पे रिसीव करने की जगह देने की आदत हो, तो अपने आसपास के बड़े सारे अच्छे कामों को सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो खैर, हमने इसलिए इस घोड़े का नाम सेबा रखा है क्योंकि उसी दिन सेबेस्टियन भी आया था बच्चा। ये घोड़ा है सिरमौर से। इसका ये जो पैर है ये टूटा हुआ है, ये कभी भी ठीक नहीं होगा क्योंकि ये जुड़ चुका है। वैसे भी घोड़ों में फ्रैक्चर जो है नहीं जुड़ते, इनकी टांगों की हड्डियां बड़ी सेंसिटिव होती हैं। अब इसका सारा ये वेट आगे है और इसके कंधे में बेचारे को ये दर्द रहता होगा, तो इसको हम पेन किलर्स पे ही रखेंगे जब तक भी ये रहेगा, ये परमानेंट रेजिडेंट रहेगा। इस समय हम इसको सूखी घास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको ग्रेजुअली हम नई डाइट पे एडजस्ट करेंगे। हमें नहीं पता वहां ये क्या क्या खाता रहा है, और इनका जो डाइजेस्टन है सेंसिटिव रहता है, कॉलिक होने का खतरा रहता है। अब मैं आपको मिलवाता हूं एक जो नई गाय धर्मशाला से परसों आई है। ओके, साहिल कुछ तो खतरनाक कर रहा है यहाँ पे। तेरा हाथ, ओ माय गॉड, ये क्या प्रेगनेंसी चेक हो रही है? पर हमें तो था कि प्रेगनेंसी है, पता ही है ना? नहीं, तो ये जो गाय आई है, साहिल प्रेगनेंसी चेक कर रहा है इसकी। आई एम सॉरी, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दिस, पर ये देखना है कि कितने महीने की प्रेगनेंसी है, इससे पता लगेगा कि अबॉर्शन होगा या नहीं। और अबॉर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इस गाय को हम हॉर्स पे खड़ा करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। ये देखिए, किसी ने दूध ले लेके इसको छोड़ दिया। इसके कानों में आप देखेंगे ये टैग्स जहां थे वहां छेद है,
ये इतना फ्रेश है, जहां से टैग उतारा है आपको दिख रहा होगा बड़ा रॉ है। तो हमें वहां से फोन आया कि भाई इसको ले लो, क्योंकि ये रात को फंसी रह गई किसी गाड़ी और दीवार के बीच में, और फिर उसके बाद अगले दिन से उठी नहीं। तो काफी लोग हैं जो इससे वहां जुड़े हुए हैं वहां पे। ये इसका देखिए इलाज तो क्या ही है, हम इसको फ्लूइड दे रहे हैं, जो इसका इलाज था वहां भी चल रहा था, पर अपेरेंटली वहां पे जहां पे गाय थी कई दुकानदारों को या जिसका भी वहां पे इंस्टीट्यूशन है शायद कोई, उसको दिक्कत हो रही थी भाई गाय है और गंदा लग रहा है, तो लोगों ने को यहाँ पे शिफ्ट करनी पड़ी क्योंकि बरसात है। वैसे तो किसी ने इसके लिए टेंट वगैरह भी बनाया था, काफी लोगों ने इसकी मदद करने की कोशिश की। ये खा नहीं रही ज्यादा, जब ये आई थी मैंने पहले ही कह दिया था कि अब ये गाय चार दिन से बैठ रखी है, इसके उठने के चांसेस कम है, अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ये नहीं है कि मैंने हाथ खड़े कर दिए हैं, मैं आपको सिर्फ स्टेटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता कि जी मैं बोल दूँ कि हाँ हाँ हम तो बचा लेंगे, मतलब कोई मिरेकल हो जाए तो बच जाए। इसका माता जी वाला हाल है, माता जी भी सेम ब्रीड थी, क्या कहते हो तुम, जर्सी, जर्सी है ये। अब लोगों को जर्सी इसलिए पालनी है कि भैया दूध ज़्यादा देती है, देसी गाय पाल के तो कोई राजी है नहीं। और सरकार की भी पूरी गलती है इसमें कि क्यों जो सीमन के इंजेक्शन है वो जर्सी और होल्स्टीन के आ रहे हैं। बाय द वे आओ सारा स्टाफ, आज मेरी टीम सारी इकट्ठी है, बॉबी को छोड़ के। बॉबी कहाँ है? ओके, बॉबी की छुट्टी है। ये राधा है, राधा तो अपनी छुट्टियां लेती नहीं है, यहीं पे ही प्राप्त होती है। साहिल तो अंदर भाग गया। डॉक्टर अंकित, डॉक्टर अंकित इन सब में से सबसे कम शर्मीले हैं, एक्चुअली राधा भी शर्मीली नहीं है। अमित चंबा से बहुत शर्माता है। दिनेश सबसे अच्छा बोलता है पर शर्माता भी ज्यादा है। ओके, साहिल आया वापस। तेरी तारीफ हो रही है साहिल, डार्क चॉकलेट के साथ है। डार्क चॉकलेट तो सभी से ये डरती है सिवाय साहिल के शायद, या तेरे से भी डर ही रही है ना, सभी से डरती है ये। ओके, ओ टोफू भी यहीं पे है। खैर देखिए, कल तक तो मैं बहुत ज्यादा दुखी था गुरु और नंदन को लेके, आज मैंने फैसला लिया है कि अब मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा। आई हैव टू मूव ऑन। ये डॉली अभी भी यहीं पे है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ठीक होते ही अडॉप्ट होगी। ओके, इसके अलावा मैं आपको और देखते हैं कि क्या चल रहा है फार्म पे, मैं उसको बारे में अपडेट देता हूँ। आज फार्म में सुनने में आया, अभी मुझे ऑफिस में कोई बताने आया था कि हमने जो तन लगा रखा था वो ढह गया। एक्चुअली मैं हमेशा इस साइड से जाता हूँ, तो मैं आज ये वाली साइड लेता हूँ ताकि और भी हम चीज़ें देखें कि क्या चल रहा है। खैर, अच्छा एक चीज और, कल हमने जो संडे को हम लाइव करते हैं ना Q&A, उसकी जगह हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हैं रिकॉर्डेड आंसर्स डालेंगे, ताकि हमारा एक आर्काइव भी बनता जाए कल को, क्योंकि सेम क्वेश्चन फिर ईमेल में आते हैं, सेम क्वेश्चन ग्रुप्स में आते हैं और बड़ी फिर दिक्कत होती है। तो हम रिकॉर्डेड आंसर कल से डालेंगे। कल का जो हम क्वेश्चन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ कम्युनिकेशन टिप्स दीजिए। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मुझसे बात करना सीखना चाहेगा कभी, पर खैर तो मैंने अपने कुछ वीडियोस देखे, कुछ जो टिप्स हैं मैं कल शेयर करूंगा, वही 12:58 के आसपास। हमारी ये बड़ी मिर्चें जो हैं लाल होना शुरू हो गई हैं, मिर्चें इस समय बहुत हैं और हम उसको अब ड्राई करना शुरू करेंगे, बस बारिशें थोड़ा टाइम कुछ हफ्ते की बात और है। ओके जी, तो अब हम ओके, यहाँ पे जो तन था ये पूरा ही कोलैप्स कर गया है, तो मेरे ख्याल से कोई बांस सड़ गया या कुछ, अब हमारी सारी सब्जी तो इसके नीचे दब गई है। आई डोंट नो आपको याद है नहीं, मैं इसके अंदर घुस के हम चीज़ें तोड़ पाते थे। ये बारिशों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। उस दिन मेरी बेसमेंट की सीढ़ी भी कोलैप्स कर गई जब मैं उस पर था, खैर मैं बच गया, फिर मुझे शिवानी ने और दिलवर भैया ने रेस्क्यू कर लिया। एनीवे, और फार्म में क्या लगा है इस समय? ओह, ये बैंगन लगे हैं, बैंगन बहुत लगे हैं। इस समय हम भिंडी खा रहे हैं, तोरी, घिया। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि मिर्ची क्यों वेट हो रही है, तो मुझे एक सजेशन आया था कि उसका स्टेम काट के कांच के बीकर में रख के देखिए पानी में, तो पता लगेगा। मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया, तो मैं आज ट्राई करूंगा और नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा। खैर, अपडेट के लिए तो आज इतना ही था, और अगर आपके कोई सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि हम आंसर दें,
तो आप प्लीज क्वेश्चंस, अगर जेनेरिक क्वेश्चंस हैं तो आप namaste@peoplefarm.org पे करिएगा, अगर रेगुलर क्वेश्चंस हैं अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो robin@peoplefarm.org पे ईमेल करिएगा। बाय द वे मैं आप क्योंकि टूर दे रहा हूँ तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ, ये हमारे फार्म स्टे बंगलोज हैं, इसका हमने एक अलग वीडियो बना के डाला हुआ है, और यही बगल में ये जो है हमारा ये योगा एरिया है, इसकी देखिए एक नेचुरल सी एक ये रूफ है, तो जितनी मर्जी गर्मी हो ये एरिया ठंडा रहता है, तो यहाँ पे हम अपना योग भी कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना कोई इवेंट्स करते हैं वो भी यहाँ करते हैं, जब बारिश नहीं हो रही होती बैडमिंटन भी यहीं खेलते हैं। ये हमारी सारी लकड़ियाँ हैं, इनको हम काट काट के चूल्हे में यूज़ करते हैं, और कई लकड़ियाँ हमने लकड़ियों का वो ढक रखा है। खैर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर मैं नेक्स्ट हफ्ते एक बारी अपडेट दोबारा डालूँगा। बाय।